जू ऐसा कहा तो देख प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय जय जगदम्ब के भवानी। ऐसा प्रेम देखकर सारे मुनि बोले कि जय हो जगदम्ब के भवानी, आपकी जय हो जगत जननी माता, आपकी जय हो। शंकर जी को ये शुभ समाचार सुनाया कि वो तो आपसे बहुत प्रेम करती हैं, पर जैसे ही शंकर जी ने ये समाचार सुना इतने आनंदित हुए, मन प्रसन्न हो गया, मन थिर कर तब शंभु सुजाना, लगे करन रघुनायक ध्याना। राम जी का ध्यान करने लगे फिर से शंकर जी। शंकर जी दुख में भी भगवान का नाम स्मरण करते हैं और सुख में भी, पर शंकर जी की समाधि का फायदा दो को मिल रहा था। दो कौन से? एक तो शंकर जी को ही और दूसरे तारकासुर को। अच्छा, शंकर जी की समाधि से फायदा तारकासुर को क्यों मिल रहा था? क्योंकि तारकासुर ने शंकर जी से वरदान मांगा था कि आपके पुत्र से मेरी मृत्यु हो, और तारकासुर सोचता है कि पुत्र तो तब हो जब विवाह हो, और विवाह तब हो जब समाधि खुले। तो हम तो सोचते हैं लगी रहे समाधि सो अच्छा, पर अब देवताओं ने सोचा कि क्या किया जाए। शंकर जी तो समाधिष्ट होकर फिर बैठ गए, तो देवराज इंद्र ने काम को बुलाया। काम का यही काम है, काम को बुलाया। काम, तुम्हारे लिए काम है। कामदेव बोला, हम कामदेव, हमें काम देव। तो देवराज इंद्र बोले कि तुम्हें समाधि भंग करनी है, करोगे? अरे कामदेव बोला, किसी की भी मैं समाधि भंग कर दूंगा, पर किसकी समाधि भंग करनी है? शंकर जी की। शंकर जी की मैं नहीं जाऊंगा। इंद्र बोला, मित्र मैं तुम्हें जाते हुए देखना चाहता हूँ। काम बोला, ठीक है, जाते हुए देख लोगे, पर लौट कर आते हुए नहीं देख पाओगे। जा रहा हूँ, गया कामदेव। आम के पत्तों में छिप कर काम ने चोट की शंकर जी पर। कितना सुंदर संकेत है, काम जब भी किसी पर चोट करता है तो किसी ना किसी की ओट से करता है, और जिसकी ओट से काम किसी पर चोट करता है वो आम ही होता है, कोई खास नहीं होता। वो तो काम की वजह से खास दिखने लगता है। आहा, काम को जिसका बाण लगे वो जागा हुआ सो जाता है, और शंकर जी तो सोए हुए जाग गए। छूटी समाधि शंभु तब जागे, और जैसे ही काम को पत्तों में छिपा देखा बहुत क्रोध आया, कोप हुआ, तीनों लोग कांप गए। भयउ कोप कंप्युत्रे लोका, जब शिव तीशर नयन उघारा, चितवत काम भयउ जरिछारा। जैसे ही शंकर जी ने अपना तीसरा नेत्र खोला, देखते ही काम राख बन गया। अब काम की पत्नी का नाम है रति। रति शंकर जी के पास आई, शंकर जी से कहा कि आपने मेरे पति को मार दिया है। तो शंकर जी ने कहा कि कोई बात नहीं,
जब यदुवंश कृष्ण अवतारा हो यही हरण महामही भारा कृष्ण तनय हो यही पति तोरा कृष्ण तनय पति होगा काम मेरा वचन झूठा नहीं जाएगा। रति तो चली गई पर अब सारे देवता आए शंकर जी के पास। शंकर जी की वे हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे। आइए हम सब भी प्रार्थना कर लेते हैं शंकर जी की। प्रभो प्राणनाथं भजे विश्वनाथं प्रभो प्राणनाथं भजे से प्रार्थना करें। केतु
भगवान शंकर बोले कि कहो अमर, आप लोग तो अमर हो, आए कहीं हेतु? आप लोग अमर हो, डर क्यों रहे हो? आप लोग डर क्यों रहे हो? तो बोले शंकर जी, जैसे ही ये कहा तो देवता बोले कि हे प्रभु, जो आप जो मर गए अभी, वो भी तो अमर ही थे, जो मर गए वो भी तो अमर ही थे। अच्छा, तो आप लोग किस कारण से आए हो? तो देवता बोले कि प्रभु, हम अपने नेत्र सफल करना चाहते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि ये देवता अपने नेत्र सफल करना चाहते हैं आपका विवाह देखकर। तो शंकर जी ने कहा कि होगा, अवश्य होगा। अब देवता अपने आपस में बातें करने लगे। तो शंकर जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि ये देवता क्या बातें कर रहे हैं? तो शंकर जी से ब्रह्मा जी ने कहा कि इन देवताओं को बड़ा ही आश्चर्य हो रहा है कि आपने काम को जला दिया और आप विवाह के लिए तैयार हो गए। ये इन देवताओं को बड़ा ही आश्चर्य हो रहा है। ये बात उन लोगों को समझ में नहीं आ रही है। तो शंकर जी ने कहा कि सुनो, हमने तो ये जग को बताया है कि हमने काम को जला दिया और विवाह के लिए तैयार। इसका मतलब है कि हम काम की प्रेरणा से नहीं, हम तो राम की प्रेरणा से विवाह करने जा रहे हैं। तो देवता तो यह कहकर चले गए, पर शंकर जी के जो गण लोग थे, रुद्र गण, उन्होंने कहा कि बाबा, आपने विवाह की स्वीकृति दे दी, घर में कुछ है? शंकर जी बोले, कुछ नहीं है, और आपको चिंता भी नहीं है? कहा, इसीलिए तो चिंता नहीं है, घर में कुछ हो ये चिंता तो